सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बाहुबली 3 को लेकर के जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए और कुछ डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग भी मुझे कमेंट्स करे कि हम मानते हैं कि आप भी डार्लिंग प्रभास के फ़ैन हो, लेकिन व्यूज़ की वजह से अपनी मनगढ़ंत कोई भी अपडेट दिया मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। लेकिन जब उसी टॉपिक के ऊपर दूसरे यूट्यूबर ने बात करी, या फिर जब कई सारे बड़े बड़े पोर्टल में, बड़े बड़े मतलब ऑथराइज फिल्मी वेबसाइट वगैरह में ये न्यूज़ को चलाया गया, तो हर जगह पे सब लोग सेलिब्रेट करने लगे और मुझे फिर से आकर के कमेंट करने लगे कि भाई आप सही कह रहे थे। देखो, आप लोग आकर के मुझे फिर कमेंट करते हो कि आप सही कह रहे थे, आप पहले अपडेट लेकर के आते हो, ऐसे ही काम करते रहो, कीप इट अप, बाद में बोले मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बुरा भी ये लगा कि यार, मैं 2 साल हो चुका है काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, इतने सारे वीडियोस डाल दिए, आप लोगों के साथ इतना वाकिफ हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का बिलीव क्यों नहीं होता मेरे ऊपर कि मैं कोई पुख्ता अपडेट लेकर के आ रहा हूँ बोल करके। वाकई में वो ज्ञान बेल ऐसे बोले थे, इसी वजह से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा करके भी बोला था कि ऐसा है यार, ऐसा चल रहा है, नहीं तो एक प्रोड्यूसर आकर के खुल्लम खुल्ला ऐसे क्यों बोलेगा। और SS राजामौली सर वैसे भी क्यों मतलब बार बार बाहुबली 3 की जिक्र क्यों करेंगे, कुछ तो है ना यहाँ पे। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ तो मैं कैसे फेक बोल रहा हूँ, फिर उसी चीज़ को पर आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। प्लीज़ यार, बिलीव करो, ठीक है। मैं कभी सब्सक्राइब करो बोल करके किसी वीडियो पे नहीं बोलता हूँ, लाइक करो बोल करके नहीं बोलता हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपका प्यार है, आप मुझे देना चाहो दो, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलीव करो, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा करके कोई वीडियो बनाने नहीं आ जाते, कुछ ना कुछ होती है अपडेट, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से हम लेकर के आते हैं। चलिए खैर, बात करते हैं फौजी मूवी के बारे में। फौजी मूवी की सेकंड लीड एक्ट्रेस को लेकर के बहुत दिनों से बात हो रही थी, आप लोगों को पता है, पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोला जा रहा था, फिर बाद में एक और एक्ट्रेस के बारे में बोला जा रहा था जिसके साथ शूटिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है तमिलनाडु पे, वो जो शूटिंग सेट वगैरह जो लीक हुआ था ना, जो वीडियो वगैरह ये लोग, हाँ ऑफिशियल तरीके से छोड़े थे, ओके, लीक नहीं हुआ था, ऑफिशियल तरीके से जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे छोड़े थे, तो वहां पे बोल रहे थे कि सेकेंड लीड एक्ट्रेस का भी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड लीड एक्ट्रेस की बात तो है यहाँ पे, तो उनको लेकर के अपडेट देखने को मिला है कि वो एक्चुअली कौन होने वाली है। कुछ लोग तो सामंता भी बोल रहे थे, ऐसे बहुत सारी बातें हो रही थी। तो अभी जो एक्ट्रेस का नाम आया है वो एक मलयाली एक्ट्रेस है और वो 2 तेलुगु फिल्म भी पहले से कर चुके हैं, लेकिन मलयालम फिल्म के हिसाब से उनको आप ज़्यादातर जान पाओगे मेरे हिसाब से, जो बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं, प्यार दिए हैं, पसंद करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म विक्रमादित्यन करके एक फिल्म है, आप देखे होंगे, ये दिलकर सलमान की, उसमें जो एक्ट्रेस थी ना, वही एक्ट्रेस फौजी मूवी में सेकेंड लीड एक्ट्रेस के हिसाब से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है पर मैक्सिमम परसेंट चांसेस है कि मतलब यही, मतलब इनका नाम है नमिता प्रमोद, नमिता प्रमोद ही आने वाली है फौजी मूवी में सेकंड लीड एक्ट्रेस के हिसाब से। ओके, बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल होगा बोल करके हमारे पास अपडेट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं विक्रमादित्यन में उनको देखा हूँ और भी 2-3 फिल्मों में उनको देखा हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का काम करती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं लिटरली। और सच बताएं तो इमानवी और नमिता प्रमोद दोनों बहुत कमाल के लगेंगे, और डार्लिंग प्रभास के साथ जोड़ी तो इमानवी का एकदम से सुपरहिट हो चुका है, अब देखना बाकी है कि नमिता प्रमोद के साथ उनकी जोड़ी कैसा हो रहा है। खैर, ये जब ऑफिशियल हो जाएगा तभी कुछ पता चलेगा। वैसे आप कितना खुश हो इस अपडेट के साथ कि नमिता प्रमोद फौजी मूवी की सेकेंड लीड एक्ट्रेस के हिसाब से आ रहे हैं, डार्लिंग प्रभास के सेकेंड जोड़ी बनाने आ रहे हैं? आप नमिता प्रमोद को मतलब पसंद करते हो कि नहीं, उनकी काम, विक्रमादित्य मूवी देखे हो कि नहीं, इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करना। फौजी मूवी के बारे में अगर बात करें तो अभी फिलहाल तो राजा साहब मूवी का शूटिंग वगैरह चल रहा है, फौजी मूवी का शूटिंग जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, मतलब नवंबर तक। डार्लिंग प्रभास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फौजी मूवी की एंटायर टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, विदाउट डार्लिंग प्रभास जितना सारा शूटिंग वगैरह हो रहा है वो सब कुछ अनुराग बापूरी कर रहे हैं, लेकिन डार्लिंग प्रभास मतलब एक्चुअली में फिल्म का जो एक्टिव हो गए, लीड एक्टर गया तभी फिल्म का शूटिंग होता है ना, कि वो लीड एक्टर को हमें लीड एक्टर को हीरो को हमें हर एक फ्रेम में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उसका शूटिंग जब स्टार्ट होता है तो फिल्म जो है ना दौड़ता है शूटिंग में, के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में दौड़ता है, ठीक है। तो मतलब डार्लिंग प्रभास जुड़ेंगे नवंबर एंड तक, जब राजा साहब मूवी कंप्लीट कर देंगे, उससे पहले फौजी मूवी का धीरे धीरे धीमा धीमा तरीके से शूटिंग वगैरह चलता रहेगा, बाकी सारे लोगों को लेकर के कहीं पे कोई डिस्कशन हो रहा है, बाकी जितने भी जो चीजें होती हैं कॉमेडी वगैरह
वगैरह हो गया, या फिर से ओवर सिक्वेंस हो गया, मतलब कोई भी एफएक्स वर्क हो गया, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम वगैरह चल रहा है। बीएफएक्स का भी शूटिंग वगैरह जो होता है इन लोगों का, क्योंकि ये तो मतलब 1940 से लेकर के 50 तक के, मतलब इस तरह का ये ड्यूरेशन देने वाले हैं, अलग दुनिया दिखाने वाले हैं, मतलब पास्ट की दुनिया दिखाने वाले हैं। तो बीएफएक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होगा, मतलब ये भी अलग टाइप का फिल्म होगा ये, जैसे डार्लिंग प्रभास की हर एक फिल्म आ रही है अभी के टाइम पर वैसा वाला होगा। तो उसके ऊपर काम चल रहा है और इनिशियली शूटिंग वगैरह अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा नवंबर एंड से या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से। ओके, बोला तो जा रहा है कि मतलब बर्थडे पर, डार्लिंग प्रभास के बर्थडे पर कुछ क्रूशियल अपडेट आएगा, या फिर फर्स्ट लुक जारी कर देंगे, या फिर टाइटल को जो फौजी टाइटल है उसको ऑफिशियल कर देंगे, या फिर कोई और टाइटल है तो उसको ये लोग बता देंगे। देखते हैं क्या धमाका छोड़ रहे हैं ये लोग, या फिर सिंपल सा वैसी कर देंगे कि हैप्पी बर्थडे प्रभास अन्ना प्रभास गारू। आपको क्या लग रहा है वैसे? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अभी फौजी मूवी का बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। आप लोगों को पता है राजा साहब के बाद फौजी मूवी है, तो उसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो अनुराग बापूड़ी ये चांस को नहीं हराएंगे, वो डेफिनेटली 23 अक्टूबर को कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे भाई। ये फिल्म ना, मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जाने वाली है, और वॉर सिक्वेंस को बहुत ही कमाल तरीके से ये लोग शूट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कमाल तरीके से, जो कि अभी हाल ही में मैं किसी वीडियो में बात कर रहा था कि इसमें जो विलन है वो हिटलर होने वाला है, तो वहां पे वैसा वाला भी एक एंगल होगा जो एंग्री एंगल टाइप का होगा। ओके, एक्शन एंगल टाइप का होगा फिल्म का, जो वर सीक्वेंस होगा वहां पे थोड़ा सा मास एंगल डाला जाएगा, क्योंकि फिक्शनल प्लस रियलिस्टिक है। ओके, फिक्शनल प्लस रियलिस्टिक है, तो फिक्शनल वाला पार्ट जो होगा वहां पे हमें मास बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कि वो हमें जो हमारी पसंद है डार्लिंग प्रभास की कैरेक्टर, मतलब उनकी उनको ले करके कि फिल्म में वो कैसे पेश आएंगे तो मज़ा आएगा, तो वो वाला चीज़ जो है फिक्शनल में होगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उस वीडियो पे कुछ मतलब आपको लोगों क्वेश्चन भी पूछा था कि हिटलर अगर इस फिल्म में मैन विलन के किरदार में आ रहा है तो हिटलर के किरदार में कौन सी एक्टर होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले, और मुझे भी कन्विंस लगा कि हिटलर वाले कैरेक्टर को जैकी श्रॉफ बहुत ही कमाल तरीके से निभाएंगे। यस भाई, आप लोगों का चॉइस जो है ना, आप जो बोले हो बिल्कुल कंफर्म है भाई, मतलब बिल्कुल मतलब परफेक्ट। मेरी तरफ से भी, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ कि जैकी श्रॉफ ना मतलब हिटलर वाले कैरेक्टर को बहुत ही कमाल तरीके से निभाएंगे, और बिल्कुल लगेंगे हूबहू। अगर उनको वो गेटअप दिया जाएगा ना, बिल्कुल लगेंगे हूबहू। और क्या कमाल का काम कर रहे हैं भाई, बेबी जॉन का अभी ग्लिम्स आया है, आप देखे होंगे, मतलब बेबी जॉन का जितना कुछ भी अभी आया है ना भाई, ये टॉप नोज पे था, और बेबी जॉन का हाइप को बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, कमाल तरीके से क्या ही कैरेक्टर उनको दिया गया है, और क्या ही निभा रहे हैं उसको। तो भाई वो ना हिटलर वाले कैरेक्टर को बहुत ही कमाल तरीके से निभाएंगे, और लगेंगे बिल्कुल वैसा, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, लगेंगे पूरा एकदम से परफेक्ट उनको गेटअप सूट करेगा। ठीक है, खैर देखते हैं अनुराग बापूड़ी क्या क्या सोच रहे हैं। बाकी मतलब वो तो एक मतलब परफेक्ट डायरेक्टर हैं ही, सितारा मोम से हम जानते हैं कि हर एक चीज़ को बहुत ही कमाल तरीके से वो करते हैं। ओके, देखते हैं फौजी मूवी में क्या कुछ हमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म दिल तोड़ू नहीं होने वाली है। इमोशनली, मास एंगल, देशभक्ति, प्रेम कहानी, ये सारा का सारा चीज़ जो है ना इस फिल्म में कुट कुट भरा रहेगा, और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। हमें ये फिल्म 2025 आखिरी चरण तक, या फिर 2026 शुरुआती दिनों तक देखने को मिल जाएगा। आप कितना एक्साइटेड हो फौजी मूवी के लिए ज़रूर कमेंट करना, और नमिता प्रमोद जी के लिए भी कमेंट करना कि आप इनको लेकर के कितना खुश हो कि वो फौजी मूवी में जुड़ने जा रही है, मैक्सिमम चांसेस है।